আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধু মহোদয়, আজকের ভিডিওটিতে আপনাদের দেখাতে চলেছি একটি সেলুনের দোকানে এক ছোট্ট মুসলিম মেয়ের ভিডিও রাতারাতি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। এই ছোট্ট মেয়েটি এসেছিল সেলুনের দোকানে চুল কাটতে, কিন্তু চুল কাটতে এসে যা ঘটল, ছোট্ট এই মুসলিম মেয়ে এমন কিছু করলো ও বলল যা ইতিপূর্বে হয়তো আপনারা দেখেননি। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধু, আজ আপনারা এমন এক ভিডিও দেখতে চলেছেন যেটা আপনাদের হয়তো দেখাও নেই এবং জানাও নেই। এই ভিডিওটি দেখার পর আপনারা বলতে বাধ্য হবেন যে ইয়া আল্লাহ, এমন সন্তান আমাদের ঘরে দিও। কয়েকজন সেলুনের দোকানদাররা মিলে এই ছোট্ট মুসলিম মেয়েটিকে এমন কঠিন কঠিন প্রশ্ন করল যা অধিকাংশ মানুষের হয়তো জানাই নেই, কিন্তু মেয়েটি এমন সুন্দরভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে দিল যা কল্পনার বাইরে। যেমন, আল্লাহ কি আছে, আল্লাহকে দেখা যায় না কেন, আরও অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে মেয়েটি। উত্তরগুলি শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন, সত্যি অসাধারণ ট্যালেন্ট, মাশাআল্লাহ। এই ভিডিওটি দেখার পর আপনাদের মনের ভিতরে এক শান্তির বাতাবরণ ছুঁয়ে যাবে যে এত সুন্দর উত্তর দিতে পারলো, নিজেদেরকে মুসলিম বলে গর্ববোধ করবেন। আপনাদের কাছে হাত জোর করে করজোরে নিবেদন করে বলছি, ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং এই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম ও মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। की मसीहाई से मूसा के असा से नमरूद के फिरौन के अंजामे फना से यासीन से ताहा से मुजम्मिल से नबा से तौरात से इंजील से कुरान पाक की सदा से एक नूर जो कभी निकला था गारे हिरा से हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। जी, हमने अल्लाह पाक को देखा नहीं है तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला मौजूद नहीं है। अंकल जी, हमारे अंक इस काबिल नहीं है कि हम अल्लाह पाक को देखें। अंकल जी, अब आप ना मुझे पांचवा कलमा अपना अधूर पाक की शान थोड़ी सी सुना दे। अल्लाह ताला तो प्यारे आका करीम तो फिर तमाम जहानों के लिए रहमत मन कर आए हैं, हर आलिम के लिए प्यारे आका करीम रहमत मन कर आए हैं। बेटा, ये सब पूछना चाहते हैं कि अल्लाह पाक है और हमें नजर क्यों नहीं आता। आप ना पहले ही मेरे बाल काट दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ बेटा, पहले बता देते एक मिनट के लिए ताकि इन्हें पता चल जाए आपसे जो पूछना चाहते हैं। ये अंकल कह रहे हैं कि ये ना बच्चे पूछ रहे हैं कि अल्लाह पाक हमें नजर क्यों नहीं आते, इस पर थोड़ी सी ना कोई बात इनको सुना दे। अंकल जी, हम अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजों को नहीं देख सकते तो हम अल्लाह पाक को क्या देख सकेंगे। हमारी आंखें इस काबिल नहीं है कि हम अल्लाह पाक को देखें। और अंकल जी, कुरान पाक में मौजूद है फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। माशाल्लाह। अंकल जी, अल्लाह पाक हमें नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पाक मौजूद नहीं है। आप देखिए, हमने समंदर से हीरे निकलते नहीं देखे, मगर मानते हैं कि निकलते हैं, मानते हैं कि हीरे हैं। आप मानते हो ना कि हीरे हैं। हमने सोने की कान आज तक नहीं देखी, मगर मानते हैं कि सोने की कान है। हमने ये, अंकल जी आपको ये हवा लग रही है ना, लेकिन हवा नजर नहीं आती है ऐसे ही। अब अंकल जी, हमें खुशबू आती है, खुशबू हमें नजर नहीं आती, आती है लेकिन नजर नहीं आती। और हमने हलाकू खान और चंगेज खान को नहीं देखा, मगर मानते हैं कि हैं, मानते हैं कि हैं। अंकल जी, हम इन चीजों को आम लोगों के कहने पर मानते हैं, हम इनको लोगों के कहने पर मानते हैं। जिस खुदा की वजूद की गवाही, अंकल जी, जिस खुदा की वजूद की गवाही, सच्चों का सरदार, सदीकैन का बादशाह, अमानतदारों का सिपा सलार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं तो हम क्यों ना तस्लीम करें। प्रिय बंधु महोदय, ভিডিওটি আপনারা দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন, আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে যাবেন। আর হ্যাঁ, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে নিয়ে ইসলামিক খবর এবং প্রতিবাদী ভিডিও দেখতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।